एवन पंजाबी की नई अपडेट जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और एवन पंजाबी को सब्सक्राइब करें। महानता जन्म से नहीं कर्म से आती है। छोटी छोटी कमी कमजोरियों को परख कर पूरी तरह ज्ञान की रोशनी में आकर उन कमी कमजोरियों से मुक्ति पाने का जो सरल परंतु सर्वकाल में उपयुक्त ज्ञान मिल रहा है, दूसरों की कमियों को झट से पहचानना, इसमें हर कोई माहिर है। परंतु अपने को जानना, अपने अंतर को झांक कर देखना, जैसे निर्मल पानी में चेहरा स्पष्ट नजर आता है, उसी तरह अपने को स्पष्ट करने से दुविधा से बाहर आ सकते हैं। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सर्व वेदों का सार, सभी उपनिषदों का सार, श्रीमद् भगवद गीता माता, जिसकी पालना में पलते पलते हर कोई महान बन जाता है, ऐसी गीता भावधारा सुनते सुनते स्वयं भगवान के दृष्टि में हम आ गए। कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान हमारी खातिरी कर रहा है, हमारी कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत ऊंचे विचारों को स्पष्ट करते हुए हमारे लेवल में आके समझाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया की सर्वोच्च शक्ति परमात्मा, जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, ऐसा भगवान अर्जुन रूपी आज के दुविधा में फंसे हुए मनुष्यात्माओं की दुविधाओं को दूर करने के लिए स्वयं गीता ज्ञानामृत सुना रहे हैं। तो हम भी जितना मैक्सिमम हो सके अपने झोली भर लेंगे, देर नहीं करेंगे, क्योंकि
जो श्लोक पिछले एपिसोड में हमने सुना, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, है ना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तु, यही तो समस्या है। अर्जुन की भी यही तो समस्या थी, अर्जुन भी इसी समस्या में बैठ गए थे। नयोत्से गोविंदम नयोत्से, मुझे युद्ध नहीं करना है, यही तो हम पहले से सुनते आए। लेकिन अर्जुन के इन द्वंद्वों को मिटाने के लिए, अर्जुन को सामने रखकर सारी दुनिया के लिए भगवत कृपा हो गई। द्वंद्व की जब बातें करते हैं तो जिंदगी के हर कदम में एक न एक द्वंद्व हमारे सामने आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी बातों का। कई बार ना समझ पाते हैं, कई बार अहंकार सामने आ जाता है, कई बार अभिमान हमारी ज्ञान को ढक देता है, फिर हम द्वंद्व में फंस जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत अच्छी हिस्ट्री में से एक एग्जाम्पल है, दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध महाराजा होके गए जिनका नाम है श्री कृष्ण देवराय। उनके दरबार में एक विदूषक मंत्री थे जिनका नाम था तेनालीराम। एक बार उनके दरबार में दूसरे राज्य से एक बहुत बड़ा विद्वान आ जाता है और चुनौती देता है कि मेरे विद्वत्ता को जो हराएगा तो मैं उनके आगे नतमस्तक हो जाऊंगा, नहीं तो आपके जो दरबार में बैठे हैं सारे विद्वानों को मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। ये तो एक इज्जत का सवाल था दरबार का, तो सभी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन किसी भी बात में उस विद्वान को हरा नहीं सकते। विद्वत सभा लगी रही, तर्क वितर्क होते रहे, शास्त्रार्थ होते रहे, लेकिन कोई हरा नहीं सकते। तो तभी महाराजा कृष्णदेवराय अपने विदूषक मंत्री तेनालीराम के ओर देखते हैं, तो तेनालीराम जी ने बहुत अच्छा एक उपाय ढूंढा। पता है क्या था? उन्होंने एक इतनी बड़ी कपड़े में बांधा हुआ ग्रंथ लेके आए, समक्ष रख दिया, और वो जो बाहरी राज्य से एक विद्वान आया हुआ था उनसे कहा, एक ऐसा ग्रंथ है जिसका, इसका नाम है तिलकाष्ठ महिष बंधना, आपने कभी इसके बारे में सुना है तो आप बताइए इस ग्रंथ में क्या है, तब हम हार मानेंगे। वो विद्वान सोच में पड़ गए, अभी तक मैंने तो सुना ही नहीं था, ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है, तिलकाष्ठ महिष बंधना। सोच में पड़ गए, जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कल बताऊंगा। बस उस दिन दरबार से उठ के गए, वापस मुड़ के देखा तक नहीं उन्होंने, वो भाग गए। पता है वो क्या था? आप समझ गए क्या था? अंदर था तिल की लकड़ी, तिलकाष्ठ, ऊपर से कपड़े बांधे हुए थे, उसके ऊपर रस्सी बांधा हुआ था, महिष बंधना, भैंस गाय बांधने के लिए जो रस्सी यूज करते हैं उससे तिल के लकड़ी को बांध के रखा था। बस तेनालीराम ने एक उपाय बना दिया, तिल काष्ठ महिष बंधन। लेकिन वो जो इतने बड़े विद्वान थे, बस चार शब्द जो थे, तिल काष्ठ महिष बंधना, अगर एक मिनट पांच मिनट भी बैठ के शांति से उन शब्दों का अर्थ ढूंढते ना तो कभी हारते नहीं थे। लेकिन उन्होंने सोचा ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा जिसके बारे में मैं अनजान हूं, वो कंफ्यूज में आ गए, वो दुविधा में फंस गए, और अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो भाग निकले। लेकिन सच में वहां तो कोई ग्रंथ था ही नहीं, वहां तो था ही तिल की लकड़ी और ऊपर से रस्सी जिसको ढका हुआ था एक कपड़ा, बस इतना नहीं समझ पाए जिसके कारण वो दुविधा में फंस गए और उनको निकलना पड़ा वहां से। जरा सोचिए हमारे जीवन में भी ऐसे छोटी छोटी दुविधाएं आ जाती हैं जिनको हम ना समझ पाते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जिस एटीट्यूड से देखना चाहिए इस एटीट्यूड से हम देखते नहीं हैं। हर कोई अपने एज के लेवल से सोचता है या बाहर दुनिया में जो माहौल है उस हिसाब से सोचता है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ऐसा कोई नहीं सोचता है, क्योंकि एक तो अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होता है कई बार, या तो हम समझते हैं अरे ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो जाते हैं। अंदर में अगर आंतरिक, जिसको हम कहते हैं मेंटल स्टेबिलिटी, है ना, बहुत अच्छा यूज कर लेते हैं शब्द,
लेकिन क्या सच में जब परिस्थिति हमारे ऊपर आई होती है तब हम मेंटली स्टेबल रहते हैं? नहीं ना, इसी के कारण तो दुविधाएं आती है। ये गीताचार्य बार 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 अर्जुन के दुविधाओं को मिटाने के लिए दुविधा का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, प्रारंभ से पहले अध्याय में अर्जुन ने अपने दुविधाएं बता दी, ऐसे होगा, दुनिया नरक बन जाएगी, कुल धर्म नाश हो जाएंगे, स्त्रियां भटक जाएगी, हमारे पूर्वजों के आदर्श पतन हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे दुविधाएं अर्जुन के जो थे। लेकिन आप बीच में देखेंगे जितने भी 700 श्लोक है पहले अध्याय के अलावा जो भी श्लोक है उसमें कहीं भी अर्जुन की दुविधा का समाधान के रूप में या दुविधाओं का जिक्र हो कभी नहीं। लेकिन अंततः अर्जुन को यह समझ में आ गया कि मेरी दुविधा का कारण मेरे अंदर ही है, मैं अपने आप से भटक गया था, मैं अपने आप को देखना छोड़ दिया था, मेरी दृष्टि बाहर आ गई थी जिसके कारण ये कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन ये जो समझाने का तरीका है भगवान का, इट्स अ यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग, रियली सच में ऐसे टेक्निक दुनिया में अगर कोई सीख लेगा ना तो शायद दुनिया में कोई समस्या ही नहीं रहे। देखिए दुनिया में कितने स्कूल कॉलेजेस, थाउजेंड्स टुगेदर यूनिवर्सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, हर साल कितने लाखों करोड़ों बच्चे डिग्रीज लेके बाहर आ रहे हैं। लेकिन केवल लिटरेसी मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखा सकती थी तो आज ये समस्या नहीं आती हमारे सामने। चलिए, किसी ने खूब कहा है, ओनली लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन, है ना, केवल अक्षर ज्ञान विद्या नहीं है। विद्या विनयेन शोभते। आजकल जो हम एजुकेटेड कह रहे हैं, घमंडी बढ़ती जा रही है, इगोइस्टिक होते जा रहे हैं, इसीलिए फैमिलीज टूट रहे हैं, किसी के पास एडजस्टमेंट पावर नहीं है, दुविधा ही दुविधा है। व्हाट इज द मिसिंग लिंक, कहां पर गलती हो रही है, यह भगवान समझा रहा है। आप कितना भी ऊंचा चढ़ो, आप एक आत्मा ही तो है, कोई कितना भी नीचे क्यों नहीं है उसमें भी तो एक आत्मा है। जो बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ है उनमें भी तो वही सच्चे क्वालिटीज है जो हम जिसके बारे में सोचते आए हैं, शांति है, समाधान है, प्यार है, सब कुछ, उसको भी वही चाहिए। और जो नीचे है उसको भी वही चाहिए। लेकिन जब हम ये बातें भूल जाते हैं, बाहरी अहंकार में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने के कारण दुविधाग्रस्त हो जाते हैं, जिसके लिए फिर भगवान को आना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ये भी लगता है ठीक है अर्जुन दुविधा में फंस गए जिसके कारण भगवान को गीतोपदेश देना पड़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार हमें कोई गीतोपदेश देने तो नहीं आएगा ना। एक बार का जो गीतोपदेश है, गीता ज्ञान है, उसे हम अपने जीवन में उतार ले ताकि जीवन में कभी दुविधा आए, दो रास्ते पे हम खड़े हो गए हैं, इधर चले या इधर चले, तब हमें कोई नहीं आएगा ना रास्ता दिखाने। अंदर में जो ज्ञान है हमारे अंदर भगवान का दिया हुआ, अगर उसको याद कर ले तब हम अपने आप रोशनी में आ जाएंगे कि मुझे कहाँ जाना है। यही तो भगवान चाहता है, हम सेल्फ एस्टीम्ड हो जाए। इसी के लिए तो भगवान हमें इतना ऊंचा और इतना सरल ज्ञान दे रहा है। इसलिए पुनश्च हम ये याद करेंगे, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इसका क्या मतलब है, देखिए एक श्लोक के ऊपर दुनिया में आजकल बहुत चर्चा चल रही है, वो ये है, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान ने ही चातुर्वर्ण सृष्टि किया है तो फिर भेदभाव भगवान ने ही कर दिया। लेकिन उन्होंने सेकंड सेंटेंस पढ़ना छोड़ दिया या सुने नहीं कि गुण कर्म विभागशः। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, जन्मजात नहीं है, संस्कार के कारण, गुण अवगुण के कारण, भाव स्वभाव के कारण, चलन के कारण कोई व्यक्ति
ऊंचा या नीचा कहलाता है, जिसमें सत्व गुण प्रधान है, जो सभी की भला चाहता है, सभी की भलाई सोचता है और खुद अपने मूल स्वरूप में स्थित है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान के स्वरूप है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो जिंदगी में आई हुई हर बात को लड़ झगड़ कर सामना करके समाप्त करना चाहता है, जो बाहुबल को अधिक मानता है, जो रजोगुण में है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। और जिनमें रजोगुण और तमोगुण मिक्स है, वो वैश्य है। कुछ मिलने पर कुछ करने वाला, कुछ लाभ का सोचने वाला। और चौथा है शूद्र, जिसके बारे में कहते हैं जो तमोगुण के वश है, जो संपूर्ण विकारों का गुलाम बन गया है, विषय विकार ही उन्हें चला रहे हैं, वो शूद्र है। ऐसे गुण और कर्म, इनके कारण मनुष्य में वर्ण बनते हैं। ये बात भूलकर हम लोग आजकल पता नहीं क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान इसलिए कह रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने मूल स्वरूप में लौटाओ, मूल स्वरूप में, आत्मस्वरूप में। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सभी आत्मा रूप में भाई है, बंधु है, अपने हैं। मूल स्वरूप में लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो तीनों गुण है, इनसे ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? सोच में पड़ गए ना, ऐसे बनो ऐसे बनो सब कहते हैं, लेकिन कैसे बने? ये फिर एक दुविधा हो गई। नहीं, गीताचार्य कभी हमें दुविधा में नहीं डालता है, उनका काम ही तो है दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना। इसलिए उसका भी समाधान भगवान बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत सुंदर सरल तरीके से बताते हैं कि तू कर्म करते जा। बस कर्म ही एक ऐसा विधान है जो मनुष्य को ऊंच बना सकता है। मनुष्य की कर्म ही उनकी पहचान कराता है। मैं कौन से काम कर रही हूँ उससे मेरा बड़प्पन नहीं है, लेकिन वो काम मैं सबसे अलग कैसे कर रही हूँ उसी में मेरी महानता है। यही तो गीताचार्य हमें सिखाना चाहता है। इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी कहानी है, आप सभी ने सुना होगा। एक राज्य था, बहुत अच्छा चल रहा था, चार मंत्री थे। राजा ने सोचा इन चार मंत्रियों में से एक को मैं मुख्यमंत्री बना दूं, ताकि मेरी कोई जिम्मेवारी है थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो राजा ने अनाउंस कर दिया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ताला है, उसे खोलना है, आप चारों में से कौन जल्दी खोलेगा उसे मैं मुख्यमंत्री बना दूं। तो बस वो ताला गणित और विज्ञान के आधार से खुलता है, उसका कोई चाबी नहीं है, गणित और विज्ञान के आधार से ही वो ताला खोला जा सकता है। बस इतना अनाउंस कर दिया। चारों बहुत मेधावी थे, अच्छे अनुभवी मंत्री थे। चारों वापस घर गए, अपने शास्त्र ग्रंथ निकाल के बैठे, ढूंढने लगे ऐसा कौन सा गणित का या विज्ञान का सूत्र है जिसके आधार से बिना चाबी के ताले को खोला जा सकता है। उसमें से एक मंत्री थोड़ा सा पढ़ने के बाद आराम से घर जाके सो गया, और जो तीन मंत्री थे रात भर पढ़ते रहे ढूंढते रहे। और सवेरा हो गया, सभी को दरबार में बुलाया गया, सभी आए। आने के बाद एक बहुत बड़ा ताले को मंगाया राजा ने, देखते ही हैरान रह गए, चकित रह गए, अरे इसे कैसे खोला जाए, और वो भी गणित और विज्ञान के आधार से। तीनों हैरान, जो रात भर अच्छी नींद लिया था चौथा मंत्री उठ के आया, गौर से देखा, और बाद में राजा के सामने खड़े होकर बोलता है, महाराज ये ताला तो खुला हुआ है, आपको समझ में आया? ये राजा ने ऐसी एक टेस्ट दी थी जो उलझन हो लेकिन उसी में उसका सवाल का जवाब भी हो, क्योंकि वो ताले को चाबी लगाया ही नहीं था, वो बंद था ही नहीं, वो खुला हुआ था बस। लेकिन ये जो लोग टेंशन में आ गए थे, बिना चाबी के कैसे खोलना है, कौन सी तकनीक है, कौन सा गणित का सूत्र है, कौन सा विज्ञान का सूत्र है, इसी के लिए पढ़ पढ़ के वास्तविकता को देखना ही भूल गए। एक बार
ताले को अटेंशन से देखते शायद वो भी समझ लेते। तो ऑटोमेटिकली चौथा जिसने जवाब दे दिया वो मुख्यमंत्री बन गया। ऐसी एक कहानी है, ऐसी कहानियां तो हमने हजारों सुनी है, लेकिन जो कहानी सुनी उसमें से क्या मोरालिटी मिली हमें जीवन में, यही तो है जीवन की सच्चाई। आंख कान खुले रखो, जो भी समस्या सामने आए पहले समस्या को अच्छी तरह से समझो, क्योंकि बिना समाधान के दुनिया में कोई समस्या नहीं होते हैं। हर समस्या का समाधान जरूर होता है, बस उस एंगल में सोचने की देरी है। गीताचार्य भी यही तो बता रहा है अर्जुन को, हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान बाहर ही हो ऐसे नहीं है ना, अंदर भी समाधान हो सकता है। यही तो गीताचार्य अर्जुन को बता रहे थे कि अपने अंदर जाके देखो, अपने आप को जानो पहचानो। जो हम बाहरी शो बहुत करते हैं, लेकिन हम अगर हम अंदर अपने लिए कुछ समय भी दें, अपनों के लिए थोड़े समय निकालें, तो दुनिया में बहुत कुछ बदलाव हम ला सकते हैं। दसरा कैंप किए थे 10 दिन का, छोटे छोटे बच्चे आए थे, तो बच्चों के साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए बच्चों को एक ड्राइंग लिखने के लिए हम लोगों ने कहा सभी को, माय फैमिली टाइटल था, माय फैमिली मेरा परिवार। ड्रॉ करने के लिए सभी को कलर पेंसिल्स दिए गए, सभी ने ड्रॉ किया माय फैमिली। बच्चे बहुत छोटे थे, मतलब 8 साल से 12 साल के अंदर के बच्चे थे सारे। सभी ने ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से अपने एज के हिसाब से, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स भी दिए बच्चों ने। उसमें से एक बच्ची थी जिसने अपने ड्राइंग में अपने पापा को नहीं दिखाया था, मम्मी मैं भाई दादा दादी इतनों को दिखाया था। तो फिर हमने पूछा कि तेरे पापा इतने में, तो बोले नहीं पापा है मेरे, तो फिर क्यों नहीं दिखाया। पता है उस बच्चे का जवाब क्या था, अरे पापा के पास हमारे लिए फुर्सत ही नहीं है, कभी हमारे साथ रहते ही नहीं है, वो तो बस भागते रहते हैं, इधर गए उधर गए, 1-5 मिनट भी हमारे पास बैठकर बात करने की उनके लिए फुर्सत ही नहीं है। तो हमारे फैमिली में कैसे होते हैं, घर में आने जाने वाले मेहमान फैमिली होते हैं क्या। इतनी छोटी सी 8 साल की बच्ची, उसका ये जवाब था। आप सोच रहे होंगे कि मम्मी है ना, दादा है ना, दादी है ना, वो सब समय दे रहे हैं ना, लेकिन पापा तो पापा होते हैं ना। आप सबको पता है छोटे बच्चों के हीरो तो पापा ही होते हैं। अगर पापा बच्चों के लिए समय नहीं दे सकते कि पैसे कमाने में, रुतबा कमाने में, पद कमाने में पापा इतने व्यस्त हैं, तो पापा की जो ये गैप है वो कौन फिल करेगा। बच्चे की जिंदगी में वो गैप परमानेंटली रह जाएगा, इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगा, और वो जो पापा से सीखना चाहती हैं वो भी नहीं सीख सकेगी। तो हमने पापा को बुलाया और कहा, भैया पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, पद ही सब कुछ नहीं होता है, रुतबा ही सब कुछ नहीं होता है, अपनापन भी तो कुछ है ना। आदमी जीता किसके लिए है, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो पैसे का महल बना लेता, अकेला अंदर बंद बैठ जाता, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए ये जो द्वंद्व है, देखिए फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी किसको दे, एक दुविधा है। कई बार गुस्से में कह देते हैं, यूं ही आप लोगों का खर्चा चल रहा है क्या, मैं दिन रात कमा रहा हूं, इसीलिए तो आप लोग अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो। ठीक है ना, आप पैसे से गाड़ी खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, महल खरीद सकते हो, लेकिन अपनापन नहीं खरीद सकते। अपनापन तो आपसी व्यवहार से ही आएगा। इसके लिए आपसी व्यवहार को सुधारने के लिए, जैसे मुझे सबसे प्यार चाहिए वैसे मेरे से भी किसी को चाहिए होगा ना, ये भी तो समझना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें जो फैमिलीज को बनाते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी बात याद रखना है हम लोगों को कि केवल घर ईंटों से नहीं बनता है, घर बनता है आपसी प्यार और व्यवहार से, दिलों के मिलने से। ये अर्जुन के इन दुविधाओं से, अर्जुन जैसे दुविधाग्रस्त मनों को शांत समाधान चित्त करने के लिए, दुविधा मुक्त होने के लिए जो भगवान ये रास्ता दिखा रहा है,
त्रैगुण्या विषया वेदा, इनसे बाहर आओ, मानवीयता का मूल सूत्र सीखो, जीना इसी का नाम है। कहीं बाहर नहीं ढूंढो, अंदर ही है सब कुछ। अंदर ढूंढने के लिए अंतर की ओर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा समय देंगे अपने लिए, अपने से बातें करेंगे तो अपनों से भी हम और अच्छी तरह से प्यार से पेश आएंगे। ओम शांति। मित्रों, गायन है चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी बदलाव हम अपने अंदर लाना चाहते हैं या जो भी गुणों को हम धारण करना चाहते हैं, उसका दर्शन तो हमें पहले अपने परिवार को ही दिखाना है। मित्रों, केवल प्रेम ही है जो परिवार को बांधे रखता है। केवल धन, सुख, सुविधा, यही सब परिवार को देना पर्याप्त नहीं है। अगर चिड़िया भी मरती है तो अपने बच्चों को घोंसला विरासत में दे जाती है, तो वहाँ मनुष्य तो कितना श्रेष्ठ है, कितना कुछ उसे अपनी पीढ़ी को दे जाना है। प्रेम, स्नेह, चरित्र, संस्कार, गुण, कौशल, कितनी सारी बातें हैं जो उसे अपने साथ के लोगों को सिखानी है। ये सब मित्रों तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम स्वयं को भरपूर रखेंगे, तभी हम किसी को भी कुछ दे सकेंगे। नहीं तो एक तरह से हमारी ही लापरवाही के कारण हमारे बच्चों का हमसे प्यार समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्वयं को परमात्मा से जोड़कर अपने हृदय को प्रेम से सराबोर करें।